नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सिमडेगा समाचार के YouTube चैनल में। चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाएं ताकि सिमडेगा जिले के सभी खबरें पाएं आपके अपने मोबाइल पर। तो चलिए दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबर करते हैं रूबरू। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा केरसई के ढोड़ीजोर गांव में आयोजित युवा सम्मेलन में भाग लिया, जहां पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। मौके पर विधायक ने कहा, युवा समाज में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए युवा सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए समाज उत्थान के लिए कार्य करें ताकि समाज का भला हो सके। कोलेबीरा के लोहापुल के पास बख्तियारपुर से उड़ीसा की ओर जा रहे बोलेरो सवार कुल 9 लोग ट्रक के धक्के से घायल हो गए। घायलों को कोलेबीरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चालक को अत्यधिक चोट लगी थी, जिसे बेहतर इलाज के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी मुनेंद्र दास ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज 13 जून को सिमडेगा के सभी प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर में बैंक के अधिकारी, अंचल के अधिकारी एवं पंचायत के मुखिया उपस्थित रहेंगे, जहां पर उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकेंगे। सिकरिया टाँड के पास सड़क हादसे में तामड़ा निवासी ब्रिजमोहन केसरी घायल हो गए। घायल अवस्था में सदर अस्पताल सिमडेगा लाया गया, जहां पर उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से राजधानी रांची रेफर कर दिया। बताया गया कि गिरने की वजह से उनके माथे में गंभीर चोट लगी है, जिस कारण उन्हें एम्बुलेंस से रांची भेजा गया। बोलबा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरसलोंगरी के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना में समसेरा डेरा टोली गांव निवासी राजकिशोर बड़ाई घायल हो गए। इधर घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा लाया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के क्रम में राजकिशोर को मृत घोषित कर दिया। कोलेबीरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोरेमिया महतो टोली पहुंचे, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने शामिल हुआ। इससे पहले विधायक का भव्य तरीके से स्वागत किया। मौके पर विधायक ने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईसाई आदिवासियों में फूट डालकर धर्म के नाम पर लड़ाएं ताकि इस क्षेत्र में राज कर सके, लेकिन अभी भी समय है, आप जागरूक हों और इनके झांसे में ना आए और आप सभी संगठित रहकर कार्य करें। ठेठेटांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ताराबोगा ढोड़ी टोली गाँव में छत से गिरकर अंजलि बड़ाइक नामक किशोरी घायल हो गई। बताया गया कि वह छत पर आंधी तूफान के समय कपड़ा नीचे लाने गई थी, इसी दौरान तूफान के झोंके से नियंत्रण खोते हुए गिरी, जिसके बाद उसके कमर, हाथ सहित कई हिस्सों में चोट लगी। इधर सदर अस्पताल सिमडेगा में अंजलि को इलाज के लिए रखा गया है, जहां पर उसकी इलाज चल रही है। सिमडेगा शहरी क्षेत्र में इन दिनों पीने की पानी को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की ओर से टेम्पोररी व्यवस्था के रूप में क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सिटी मैनेजर आकाश डेविड सिंह ने बताया कि यह सुविधा पीने की पानी लोगों की जरूरतों को देखते हुए की जा रही है। जन भावना फाउंडेशन द्वारा बीरू के जपका कोना कुम्हारबंद गाँव में पहुँचकर वहाँ के ग्रामीणों को किशोरी समृद्धि योजना एवं हेल्थ कार्ड से संबंधित जानकारी दी, जहां पर कुल 166 लोगों ने बारी बारी से इसका निबंधन कराया। इस मौके पर खुशीराम कुमार सहित कई लोग शामिल हुए। बानो के कनरवा रेलवे ट्रैक के किनारे 9 मवेशियों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। बताया गया कि पटरी पार कर रहे मवेशी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इधर मामले की जानकारी मवेशी के मालिकों ने पंचायत के मुखिया मिंसी रानी को दी, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द विभाग से बात करते हुए सभी किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में 50 लाख सदस्यता अभियान से जोड़ने की अपील की है, जिसको लेकर लगातार सिमडेगा में चल रहा है। बम्बलखेरा गाँव पहुँचकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष, जिला सचिव के द्वारा दर्जनों लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता दिलाया, साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में सभी जगहों पर यह अभियान चलाया जाएगा। कोलेबीरा प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार द्वारा सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से बैठक करते हुए मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित
कई चीजों को लेकर समीक्षा किया। साथ ही उन्होंने राजनीति दल से चर्चा करते हुए कई अन्य छोटी बड़ी बिंदुओं पर बात की और साथ ही कहा कि सभी लोग सहयोग करें ताकि काम करने में आसान हो। कोलेबिरा क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक शुरू हो गया है। शाम होते ही जंगली हाथी का झुंड गांव पहुंचता है और गांव में लोगों के घरों को तोड़ने के साथ ही मकान में रखे अनाज सहित अन्य चीजों को नष्ट कर रहे हैं। इधर लोगों ने हाथी भगाने की मांग की है। सिमडेगा अपर संवाददाता अमरेंद्र कुमार सिन्हा, कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र में मनाए गए मनरेगा के अंतर्गत अमृत सरोवर का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने इसे 100% पूरा करने की बात कही ताकि बारिश में यहां पर जल जमा हो और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। बानो प्रखंड कार्यालय सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेंग पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समीक्षा की। मौके पर जिला परिषद सदस्य बिरजो कंडुलना, प्रमुख प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत के मुखिया उपस्थित रहे।